स्टूडेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन के फेजेस में मैंने आपको फोर फेजेस बताए थे ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट क्रेब साइकिल और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो पहले वाले दो स्टेप हम डिस्कस कर चुके ग्लाइकोलाइसिस भी डिस्कस कर चुके और ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट भी डिस्कस कर चुके आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रेब क्रेब साइकिल तो क्रैप साइकिल को हम क्रैप साइकिल क्यों कह रहे हैं क्योंकि हैंस क्रैब वो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैंस क्रैब ने सबसे पहले इस क्रैप साइकिल को डिस्क्राइब किया था इस वजह से इसको हम क्रैप साइकिल भी कहते हैं तो देखो क्रैप साइकिल के अंदर होता क्या है ये किस जगह पर आकर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि पायरोवेट जो है कन्वर्ट होता है किसमें एसिटाइल को ए में और किस तरह से कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोट के जरिए किस तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ होती है पिछले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके तो आज हम अब पायट डायरेक्ट तो दाखिल हो नहीं सकती थी साइकिल में तो पहले ये किस में कन्वर्ट हो गई ए में अब यह एसिटिल को डायरेक्ट दाखिल होगा किसके अंदर क्रेप साइकिल में तो ये एसिटेल को जब दाखिल होगा क्रैप साइकिल के अंदर तो क्या होगा यहाँ पर एक फोर कार्बन कंपाउंड ऑक्साइलो ऑक्साइलो ऑक्जैलो एसिटेट के साथ ये एसिटाइल को एंजाइम में कंबाइन हो जाता है और इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल भी कंबाइन होगा एसिटाइल को एंजाइम में ऑक्जैलो और क्वाटर का मॉलिक्यूल जब ऑक्जैलो एसिटेट से कंबाइन होता है तो इससे बनता है क्या एक सिक्स कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं सिट्रेट देखें एसिटिल को एंजाइम कितने कार्बन वाला कंपाउंड है ये टू कार्बन कंपाउंड है ये टू कार्बन कार्बन कंपाउंड कंपाउंड है, Oxal, जो है जो वो कितने वाला, है? वाला है. है. अच्छा oxalo, है, तो यहाँ से कोई दोबारा क्या होगा है। दोबारा यहाँ से रिलीज हो जाएगा इसका काम सिर्फ एसिटाइल को जो है वो ऑक्जाइलो एसिटेट के साथ कंबाइन करना था तो ये क्या बन गया ये बन गया सिट्रेट अब क्या होगा नेक्स्ट जो स्टेप है नेक्स्ट स्टेप में यह होगा कि सिट्रेट सिट्रेट के साथ से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा जब सिट्रेट से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा मतलब सिट्रेट की डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो उससे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सिोनीट सिस, सिस जो है यहां पर बन जाएगा और फिर क्या होगा दोबारा हो हो तो ये बन जाएगा और एकोनिटेट बना फिर दोबारा वाटर एड हुआ होगा तो वाटर उन्हीं जगहों पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एड नहीं होंगे जहां पर सिट्रेट था थोड़ी चेंज लुक पोजिशन पर एड हुए होंगे इसी वजह से ये सिट्रेट नहीं रहा यह किसमें कन्वर्ट हो गया अब ये आइसो सिट्रेट में कन्वर्ट हो गया और आइसोसिट्रेट और सिट्रेट दोनों क्या है एक दूसरे के आइसोमर है अच्छा ये आइसोट्रेट सिट्रेट बन गया अब इस आइसोसिट्रेट के के दो स्टेप्स होने हैं यहाँ पर एक तो आइसोसिट्रेट की पहले ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन होगी ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या होते हैं रिलीज होते हैं और आइसोसिट्रेट से जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकलेंगे उनको एक्सेप्ट कौन कर लेगा एनएडी और एनएडी उसको एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीएच में और उसके साथ क्या होगा इस आइसोसिट्रेट की जो है डी भी होगी यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल भी इसमें से क्या होगा रिलीज होगा जब इन दो स्टेप्स के बाद जब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और डीकार्बोजेशन हो गई तो आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट नहीं रहेगा आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो गुलट में कन्वर्ट हो जाएगा अब क्या होगा इस अल्फा कीटो कीटोगुलुट्रेट की जो है वो मजीद दोबारा इसकी भी जो है वो ऑक्सीडेशन और क्या होगी डी होगी अब अब आइसोसिट्रेट तो कितने कार्बन वाला कंपाउंड था सिक्स कार्बन वाला कंपाउंड था एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल गई तो इससे कितने कार्बन वाला कंपाउंड बन गया फिर फाइव कार्बन वाला कंपाउंड बन गया जो अल्फा की जो ग्लूट्रेट था इसके बाद क्या होगा फिर ऑक्सीडेशन और डी होगी फिर एनएडी आएगा और इससे एक हाइड्रोजन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीएच में और फिर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इससे रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो इससे जब रिलीज हो जाएगा तो इस स्टेप ये स्टेप जो है वो क्या कहलाएगा डी कार्बोजाइलेशन यानी जो आइसोसिट्रेट के साथ होगा वही अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के साथ होगा लेकिन इन दो रिएक्शन के बाद इन दो रिएक्शन के बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा सक्सीनेट में लेकिन उस सक्सीनेट के साथ को एंजाइम ए भी आकर अटैच हो जाएगा उस सक्सीनेट के साथ क्या होगा को भी आकर जो है वो अटैच हो जाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सक्सीनेल को यह जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा सक्सीनेल ए यहां पर जो है वो प्रोड्यूस होगा सही दर कर ये देख लिए ए प्रोड्यूस हो गया अच्छा क्या होगा ये यह यहां पर आकर अटैच हुआ है अटैच होने के बाद फिर यहां से जो है वो डिटेच हो जाएगा यहां से फिर रिमूव होगा लेकिन इसके रिमूव होने के दौरान क्या होगी एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी किस काम आएगी वो एनर्जी इस काम आएगी कि वो एनर्जी ग्वेनाइन दा, गोइनाइन डाइफोफेट

अपना एक दे देता है एडीपी को और एडीपी को किसमें कन्वर्ट कर देता है एडीपी को कन्वर्ट कर देता है एटीपी में और खुद दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है खुद दोबारा कन्वर्ट हो जाता है गोयन डाइफोस्फेट में यानी ये कुछ इस तरह से है कि ये ग्वेन इन डाइफोस्फेट जो है इसके साथ एक फोस्फेट इनऑर्गेनिक फोस्फेट मिलेगा इस इस, इस के दौरान मिलेगा जब सक्सीनाइल होगा दोबारा देखिएगा दोबारा क्या हो गया रिमूव हो गया जब ये को रिमूव होगा तो इनफ एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी किस काम आएगी गोयनाइन डाई फोस्फेट को फोस्फेट के साथ अटैच कर क्या बना देगी इससे बना देगी गोयनाइन ट्राई फोस्फेट फिर ये गोयनाइन ट्राइफोसफेट क्या करेगा गोयनाइन ट्राइफोस्फेट अपना फोस्फेट दे, दे देगा किसको ए डी पी को और एडीपी को जब फोसफेट मिलेगा तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा ए टी पी में और गोयनाइन डाइफोस्फेट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाए गोनाइन ट्राइफोसफेट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा गोयनाइन डाइफोस्फेट मतलब यहां पर भी एटीपी बन रहा है लेकिन एटीपी डायरेक्ट नहीं बन रहा पहले गोयनाइन ट्राइफोसफेट बन रहा है फिर गोयनाइन ट्राइफोसफेट अपना फोस्फेट किसको दे रहा है एटीपी को

यानी पर इसने गोनाइन इसनेटफोट से फोसफेट लिया है जबकि वहां पर अगर आप देखें आ, किसके अंदर जब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन उसमें जो है वो फो, फोटो पढ़ा था पढ़ा था उसमें एटीपी बनने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था पहले हाइड्रोजन जमा हो रहे थे ल्यूमेन में थालोकॉइड के फिर वो रिलीज हो रहे थे और उसके बाद जाकर एटीपी बन रहा था लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सबसेट ने एडीपी को फोस्फेट दिया यानी गोनाइन एक सबस्ट्रेट है जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसने डायरेक्ट जो है वो क्या किया है एटीपी को अपना दिया है और है. तो सबसे ए एटीपी प्रोड्यूस होगा और सक्सेनाइल जो है वो खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में ये किसमें कन्वर्ट हो गया सक्सीनेट में अब दोबारा यहां पर क्या होगा नेक्स्ट जो है वो सक्सीनेट के साथ अब जो आगे जो उसके साथ रिएक्शन होना है अब फिर दोबारा जो है वो ऑक्सीडेशन होनी है सक्सीनेट की यानी सक, से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकलने हैं लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए एन नहीं आएगा यहाँ पर आएगा एफ एडी फ्लैव एड एन अब ये आएगा और ये इसको जो है वो एफ एडी इससे हाइड्रोजन लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एफ ए डी एच टू में और ये जो सक्सी नेट है इस सक्सी नेट को जो है वो कन्वर्ट कर देगा फ्यूमेरेट में इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा फ्यूमेरेट आप देख लें हर रिएक्शन के दौरान जो है वो हर जगह पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम एनएडी ने किया है लेकिन ये स्टेप आप याद रखिएगा जब सक्सी ने फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उससे क्या बना उस वक्त जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया है एफ एडी ने इस तरह याद रख लीजिएगा एफ फोर फ्यूमेरेट एफ फोर एफ एडी यानी सक्सीनेट जब फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है वो कर रहा है एफ ए डी इसके बाद हाइड्रेशन होगी यानी फ्यूमेरेट के साथ एक वाटर का मोलिक्यूल एड हो जाएगा जब फ्यूमेरेट के साथ वाटर का मोलिक्यूल जो है वो एड हो जाएगा तो फ्यूमेरेट फ्यूमेरेट नहीं रहेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में और ये जो मैलेट है इसकी फिर ऑक्सीडेशन होगी और फिर ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि फिर एनएडी आएगा फिर एनएडी ने आना है और इससे हाइड्रोजन लेके एम से चले जाना है और कन्वर्ट हो जाना है इसने किसमें एन एडीएच में और मैलेट को किसमें कन्वर्ट कर देना है ऑक्जालो एसिटेट में हो गई साइकिल कंप्लीट साइकिल का मतलब ही होता है जहां से ऑक्जालो एसिटेट से शुरू हुई थी ऑक्जालो एसिटेट उक... ऑक्जेलोएसिटेट से शुरू हुई थी ऑक्जेलोएसिटेट पर ही खत्म हो गई तो तभी तो हम इसको साइकिल कह रहे हैं अब इस साइकिल में ऑक्जेलोएसिटेट से शुरू होकर ऑक्जेलोएसिटेट पर खत्म हो गई इस साइकिल में असल में हमें काम की जो चीज मिली है वो क्या मिले एनएडीएच और एफएडीएच जो आगे चलकर आगे वाले रिएक्शन में काम आएंगे चलिए आपकी बुक में देख लेते हैं इसके बारे में

रिएक्शन में दाखिल होगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल भी दोनों मिलकर किसके साथ ऐड हो जाएंगे एसीटेट के साथ कंबाइन हो जाएंगे जब ये ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कंबाइन होंगे तो इनके कंबाइन होने से बनेगा सिट्रेट और को जो है वो दोबारा रिजनरेट हो जाएगा पहला रिएक्शन पहला स्टेप ये था अगर आप, इस, आप इसको यहाँ पर देख लें साइकिल के फॉर्म में तो ये यह मैंने यहां पर इसको शो किया हुआ उस तरफ मैंने इसको सिर्फ रिएक्शन के फॉर्म में जो है वो शो कर दिया है आगे देख लें इसके बाद डिहाइड्रेशन होगी डिहाइड्रेशन का मतलब ये सिट्रेट है सिट्रेट से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा जब सिट्रेट से सिटरेट एक सिक्स कार्बन कंपाउंड है इससे वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया तो सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिनीट में कन्वर्ट हो जाएगा ये या आप यहां पर रिएक्शन देख सकते हैं यहां पर आप देख लें वाटर का मोलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है सिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है सिस में इसके बाद क्या होगा इस सिस -एकौनितेट, सिस -एकौनितेट के साथ वाटर का मोलिक्यूल दोबारा एड हो गया वाटर के मोलिक्यूल के एड होने को हम क्या कहेंगे हाइड्रेशन जब इसमें हाइड्रेशन होगी तो सिस एक्नीटेट कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रेट में और आइसोसिट्रेट में सॉरी आइसोसिट्रेट में सिट्रेट और आइसोसिट्रेट दोनों एक दूसरे के क्या हैं आइसोमर हैं यहां तक तो के स्टेप हमने देखे उसके बाद क्या होगा ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन एक ही बात है आप इसको ऑक्सीडेशन कह लें या आप इसको कह लें डीहाइड्रोजिनेशन तो आपकी बुक कह रही है दिस इज टू स्टेप प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन यानी ये दो स्टेप प्रोसेस है जिसमें Uh, जो आइसोसिट्रेट है उसकी ऑक्सीडेशन भी होगी और साथ में क्या होगी डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी टू फॉर्म कीटो गुट्रेट और रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा इसमें बन जाएगा अल्फा कीटोगुलट मिसाल के तौर पर यह आइसोसिट्रेट है आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीडेशन का मतलब ये अपने हाइड्रोजन किसको दे देगा ये अपने हाइड्रोजन दे, दे देगा एन ए डी को और साथ में क्या होगा इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाएगी कार्बोजाइलेशन होगी तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा उसके रिजल्ट के अंदर जो है वो आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनएडीए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एन में तो ये स्टेप हो गया किसका ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोजाइलेशन इसके बाद

अल्फा कीटो कीटोगलूट्रेट के साथ दोबारा क्या होगी दोबारा इसकी ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीडेशन में इसके एनएडी कौन ले लेगा इसके एनएडी ले लेगा सॉरी इसके हाइड्रोजन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन एनएडी ले लेगा एनएडी कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीएच में और उसके साथ इसकी साथन होगी तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल भी रिलीज होगा और इन दोनों रिएक्शन के बाद अल्फा कीटो कीटोगलूट्रेट अल्फा कीटो कीटोग्लुट्रेट नहीं रहेगा बेसिकली अल्फा कीटो कीटोग्लूट्रेट यहाँ पर अल्फा कीटो कीटोगुट्रेट यहाँ पर आप देखें तो नहीं रहेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सी में यहाँ पर किसमें कन्वर्ट होगा सक्सी में लेकिन सक्सी के साथ कोएंजाइम ए जब आकर अटैच हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे सक्सीनाइल कोएंजाइम ए तो यहाँ पर एक कोएंजाइम ए भी साथ में आकर अटैच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सक्सीनाइल कोएंजाइम ए ये पूरा मैंने रिएक्शन की फॉर्म में यहाँ पर जो मैंने आपको ये साइकिल की फॉर्म में शो किया है ये रिएक्शन इसी रिएक्शन को अगर आप यहाँ पर देख लें

ट के साथ अटैच करके गोयन ट्राइफोसफेट बना लेती है फिर गोयन ट्राइफोसफेट क्या करता है गोयनाइन ट्राइफोसफेट रिएक्ट विद एडीपी गोयनाइन डाइफोस्फेट गोयनाइन ट्राइफोस्फेट जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा एडीपी के साथ एडीपी के साथ रिएक्ट करने का मतलब यह है कि ये इसको अपने ट्राइफॉस्फेट एडीपी को अपने फॉस्फेट दे देगा दे जब एडीपी को अपना फॉस्फेट दे देगा दे तो एडीपी को किसमें कन्वर्ट कर देगा एटीपी में और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा खुद दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा गोनाइन डाइफॉस्फेट इन दिस वे अ मोलिक्यूल ऑफ एटीपी इज जनरेटेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन यानी इस रिएक्शन के दौरान इस आपने याद रखना है कौन से रिएक्शन में जो है वो एटीपी जनरेट हो रहा है क्रेप साइकिल के इस रिएक्शन के दौरान एटीपी जनरेट होगा और इस एटीपी टीपी जनरेट को, जनरेशन को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चैन में मैंने यहाँ पर साइकिल के अंदर बनाया है किस तरीके से ये जो है वो ए जो है वो इस रिएक्शन के दौरान बन रहा है जब को एंजाइम सक्सिन, को निकल रहा है या रिमूव हो रहा है अच्छा ये एटीपी बन गया उसके बाद स्टेप स्टेप देख लें के अंदर फिर दोबारा यहाँ पर क्या होनी है फिर यहाँ पर जो है वो डिहाइड्रोजिनेशन uh, ऑक्सीडेशन होनी है और ऑक्सीडेशन किसकी होनी है सक्सीनेट की होनी है. और यहाँ पर सक्सीनेट को ऑक्सीडाइज कौन करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन करेगा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम एनएडी नहीं करेगा यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा एफ FAD जो है वो इसके हाइड्रोजन लेगा जब एफ इसके हाइड्रोजन लेगा सक्सीनेट के तो इसको कन्वर्ट कर देगा FADH2 में और सक्सीनेट खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट खुद कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट में इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप देख लें फिर क्या होगा फ्यूमेरेट जो है वो फ्यूमेरेट के साथ एक वाटर का मोलिकुलेट हो जाएगा जब फ्यूमेरेट के साथ वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा तो ये फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में उसके बाद लास्ट ऑक्सीडेशन होगी मैलेट जो है मैलेट जो है फिर इसके इससे हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और उन इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट कौन करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन करेगा एनएडी तो एनएडी खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीएच में और मैलेट को कन्वर्ट कर देगा ऑक्जेलो एसी तो यहां पर ये साइकिल क्या हो गई कंप्लीट हो गई अब अब ये ओक्सो जो है वो नए एसिटिल ए को एक्सेप्ट करने के लिए दोबारा क्या होगा एक नई साइकिल स्टार्ट करने के लिए दोबारा तैयार हो जाएगा तो आप इधर देख लें कि यहाँ पर अगर आप मैंने जो यहाँ पर आपको बताया है पूरी की पूरी साइकिल जो है इसमें बाजा स्टूडेंट को मेन प्रॉब्लम तो यही होता है इतने सारे ये जो सब्सरेट है आइसोसिट्रेट हो, हो, हो गया अल्फा कीटोगलूट्रेट हो गया सक्सीनाइलो एंजाइमे हो गया सक्सीनेट हो गया फ्यूमेरेट हो गया मेलेट हो गया ये इतने सारे सबस्ट्रेट इसमें बने हैं तो उनकी सिक्वेंस को याद रखना स्टूडेंट को थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो यहां पर मैंने कहीं पढ़ा था पता नहीं कहीं देखा था कि अगर आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं मतलब आप एक सेंटेंस पहले बना लें इस तरह से कि क्रिकेट कोच इंडिया मतलब इंडिया का क्रिकेट कोच अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर

क्रिकेट से आप ले लोगे मैंने एक मिनट क्रिकेट की स्पेलिंग जो है इसकी स्पेलिंग देख लीजिए क्रिकेट की स्पेलिंग जो है तो आपने ये जो है वो क्या ले लेना है पहले जो है वो क्रिकेट से क्या ले लेना है सिट्रेट और कोच जो है इसमें सी और ए आ रहा है कोच में तो इससे बना लोगे सिस एकोनिटेट इंडिया यहां पर क्या है इंडिया तो इंडिया आई से शुरू हो रहा है तो इसको बना लेना आइसो सिट्रेट अब पॉइंट ए से शुरू हो रहा है तो इसको कन्वर्ट इससे ले लेना अल्फा कीटो क्लूट्रेट स्मार्ट एट से शुरू हो रहा है तो इससे सक्सेनल कोइंजाइम ए लिख लेना ले लेना या स्मार्ट कॉन्फिडेंट ले लो स्मार्ट कॉन्फिडेंट तो स्मार्ट में एस और सी एस फॉर सक्सेनाइल कॉन्फिडेंट का मतलब कोइंजाइम ए और फिर स्टाफ आ रहा है स्टाफ में फिर ऐसा आ रहा है तो यहां पर जो है वो सक्सीनेट फॉर फोर ले लें तो फ्यूमेरेट फोर से फ्यूमेरेट ले लें एम से जो है वो मेलेट और ऑफिस के ओ से जो है ये ले लें ऑगजेलो एसीटेट तो क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मैन ऑफिस तो इसमें आपके सारे ये सिट्रेट की सीक्वेंस आ जाएगा सबसे पहले सिट्रेट बना सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ

और फिर देख लो सिंपल सा देख लो किस तरीके से जो ये बने थे तो मैंने आपको बताया था कि सिट्रेट सिट्रेट जो जो था आ, सिट्रेट में से जो है वो एक वाटर का जब रिमूव हुआ था तो क्या बन गया था तो बन गया था आ, सिस फिर सिस फिर एकोनिटेट में एक वाटर का मोलिकूल एड हुआ था तो आइसोसिट्रेट बन गया था आइसोसिट्रेट के बाद जो ये बना था अल्फा कीटोगुट्रेट अब देखो अब आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोगलूट्रेट बनेगा तो देखो जहां पर भी एन रहा है, जहां पर भी एन रहा है, वहां पर क्या करो वहां पर NADH, वहां पर हाइड्रोजन निकालकर किसको दे दो एन को दे दो जैसे इंडिया में एन रहा है ना तो यहां पर क्या होगा यहां पर आइसोसिट्रेट से जो है वो NAD, एनएडी को हाइड्रोजन मिलेंगे यानी इसकी ऑक्सीडेशन होगी फिर अपॉइंट में भी N आ रहा है यहाँ पर भी जो है वो एन को जो है वो हाइड्रोजन मिलेंगे मतलब इन दोनों की ऑक्सीडेशन होगी और शुरू वाले दो एन जो है शुरू वाले दो एन के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल दो ऐसा ही स्टेप हुए थे ना यहाँ पर अगर पिछली वाली साइकिल में देखो तो फिर स्मार्ट है स्मार्ट में ए रहा है तो यहाँ पर याद कर लो कि इस दौरान जो है वो ए बनेगा जब और जो स्टाफ है स्टाफ जो है इसमें दो डबल एफ रहे हैं तो यहां पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगी लेकिन ऑक्सीडेशन के अंदर जो है वो यहाँ पर जो है वो, NAD नहीं होगा, क्या होगा एफ क्या क्योंकि आपको पता है वाटर का मोलिकुलेट हुआ तो मेलेट में कन्वर्ट हुआ मैन अच्छा फिर ये जो मैन है मैन में फिर एन आ रहा है फिर यहाँ से जो है वो क्या निकाल दो फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो

कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज हुए हैं सही ना ये सारी चीजें जो हैं वो बल्कि ये आप करिएगा कि आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर या आपने मुझे कमेंट्स करके जो है वो बताना है ये कि अभी जो ये क्रैप साइकिल मैंने पूरी बनाई है ये आपने का होमवर्क है कि आपने क्या इसमें से देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड टोटल कितने रिलीज हुए हैं और एन और एफ टोटल यहाँ पर कितने बने हैं इस क्रैप साइकिल के अंदर ये चीज आपने मुझे जो है वो बतानी है आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर ये सेंड कर दीजिएगा या कमेंट्स में जो है ये चीज डाल दीजिएगा नेक्स्ट टाइम फिर इसका साइकिल का जो है सॉरी इसका एरोबिक एरोपायरेशन का हम लास्ट स्टेप पढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन